हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको करवा चौथ तक अहोई तक की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए गैप दे दिया था क्योंकि कुकू के लग गई थी बहुत ज़्यादा सर में चोट, मतलब गुम चोट लगी थी उसके, तो उसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी उसकी। तो यहाँ पे कुकू के एक्सरे वगैरह कराए थे सर के और रिपोर्ट्स वगैरह थी। तो ये थी कुकू की रिपोर्ट्स, और कुकू की रिपोर्ट्स के उससे इसके सर में जो चोट लगी थी वो मतलब, और ये भी बता रहे थे कि घर में किसी ने इसके डंडा मारा है, लेकिन वो ये ना कि बोल नहीं सकते किसी को भी बिना देखे बिना कुछ करें, लेकिन इसने जो बताया हमें कि किसने मारा किसने नहीं वो मैं नहीं बताना चाह रही। बस वो ये ना घर के ही होते हैं जो होते हैं, बाहर वालों को किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती घर वालों से कि कौन क्या कर रहा है, तो घर वाले ही होते हैं जिनको दिक्कत होती है। तो मेरे मम्मी पापा, पापा तो नहीं आए थे, मम्मी वगैरह आई थी देखने के लिए। तो यहाँ पर घर से मम्मी वगैरह आई हुई थी, भाभी आई थी और बच्चे आए हुए थे, और कुकू तब थोड़ी सी खुश हुई थी, वरना ये मतलब एकदम ऐसी पड़ी हुई थी कि मतलब इसको कुछ होश ही नहीं है। बच्चों को देख के थोड़ा हंसी बोली खुश हुई है, और मम्मी वगैरह देखने आए थे इसको, बुआ भी आई थी, मेरी दादी भी आई थी, मतलब सब उसी दिन आए थे। एडी, शान, रितु वगैरह सब आए थे उस दिन इसको देखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके सर में लग गई थी। और ये बता रहे थे मम्मी को मतलब पूरा कि डॉक्टर ने क्या बोला और कैसे लगी, क्या कुछ हुआ था। तो मम्मी तो दिन में आई थी, भाभी, मम्मी, तो बुआ वगैरह ये सब रात को ही आए थे। मेरी दादी है, हैडी है, बुआ है, शानू, रितु वगैरह सभी आए थे। हाय गाइस, बाय, अब हम जा रहे हैं। क्या अब अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा मुझे बहुत। और मेरे कुक्कू ने, गणेश जी के दिन चल रहे हैं तो कुक्कू ने बनाई है अपनी डॉल को गणेश जी, अपने आप खेल में लगी हुई थी। और देखो आंखें भी बनाई है इसने, और सूंड भी बनाई है, कान भी बनाए। कुक्कू इतनी इंटेलिजेंट है तुम? हाँ, इसकी नाक भी बनाई है, जो मैंने भी मम्मी के पास जाके देखा था, जो बड़ी मम्मी के पास जाके देखा था। हाँ, वो वाली बनाई थी माता, वैसा ही बनाया सेम। हाँ। माता नहीं, गणेश जी। और देखो इनको कपड़े भी पहनाए इसने, काला वाला। बाबू काली माता नहीं होती, वो गणेश जी होते हैं जो आपने बनाए। हाँ, गणेश जी को खाना चाहिए। अब गणेश जी को खाना चाहिए? हाँ, मुझे प्लीज खाना दीजिए, बोल रहा है वो। अच्छा, पहले मैं सजाता हूँ। तो कुकू को मैं लगातार 3-4 दिन अपने घर लेकर चली जाती थी सुबह सुबह, क्योंकि रात को ही रुकती नहीं है वहाँ पे, तो सुबह सुबह ले जाती थी इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब एकदम से ऐसे हो गई थी, इसके डर बैठ गया था, तो इस वजह से मैं इसको ले जाती थी वहाँ पे खेलने के लिए। कुकू आप कहाँ रहते हो 2 दिन से? कहाँ जाते हो आप 2 दिन से? भी मम्मी के पास। बोलते हैं ना कि फैमिली में जब एक साथ रहते हैं तो कुछ सैक्रिफाइस करने भी चाहिए, तो वो हर बार हम ही करते हैं। ये वीडियो है मेरे घर की, वहाँ की नेक्स्ट डे की, जो मैं रात के गणेश जी बना रही थी, तो यहाँ पर भी बना बना के दिखा रही थी। यहाँ थोड़ा बच्चों के साथ इसका मन लग जाता था और सब प्यार भी करते थे। तो थोड़े दिन बाद की वीडियो है ये, दीदी आई हुई थी तो ये नन्नी के साथ खेल रही थी। नन्नी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसके साथ तो इसका मन लग जाता है। तो अब इसकी चोट भी ठीक थी, सर में जो लगी थी इसके, डंडा लगा था तो इसकी स्वेलिंग वगैरह सब ठीक हो गई थी। डॉगी, हेलो डॉगी। और नन्नी क्या है डॉगी की? ये डॉगी की मौसी है। भाई। ये बिल्ली मौसी है। हम दीदो डॉगी खेल ले। हेलो गाइस। अबे मेरा नन्हे।
तू भी कर हेलो गाइस। और याशी देखिए, याशी दिखाइयो, सच में अच्छी लग रही है क्या? तो सजे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ बांधी थी याशी की पगड़ी और ये वाल्मीकि जयंती वाले दिन की वीडियो। और थोड़े दिन बाद शुरू हो गया था सफाई अभियान, तो हमारे घर में हो रहा था पेंट, तो उसके लिए हमने पूरा कमरा हमको खाली करना था, तो ये रूम पूरा खाली कर दिया और बाहर सामान रख दिया। तो मैं दिखाती हूँ इसको जब पेंट हो रहा होगा। और ये मैंने ड्राइंग्स बनाई थी, कुछ मिक्की माउस वगैरह बनवाए थे कुकू ने मेरे से, तो ये भी हट जाएंगे अब। मैंने टॉम एंड जेरी भी बनाए थे दीवार पे, पेपा पिग भी बनाया था। तो पेंट वाले भैया भी आ गए थे पेंट करने के लिए, और मैं दिखाऊंगी आपको कमरा जब ये पूरा रेडी हो जाएगा पेंट करके। और मैंने बनाए थे यहाँ मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव, तो मैंने भैया के लिए भी बनाई थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम खाना खा के आए हैं, तो इस वजह से फिर हमारा आधा खाना तो वेस्ट हुआ था। और ये बाहर सामान रखा हुआ है, कुकू भी परेशान हो रही थी। एक ही दिन में खैर इन्होंने कर दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं ये, तो इनमें यही होता है कि मतलब जो इनके ऑफिस IW वगैरह वाले होते हैं वो ही घर में आके पेंट करते हैं, तो ये वही हैं जो पेंट कर रहे थे। और कुकू ने पूरे बेड के गद्दों का स्लाइड बनाई हुई थी। और ये फ्रेंड जो मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो, से काफ़ी दिन बाद की वीडियो है ये। और हमारा रूम भी रेडी हो गया था पूरा पेंट होके, और हमने फर्नीचर इस बार कुछ चेंज करके लगाया, जिधर सोफ़े थे उधर बेड लगाया है, और जिधर बेड था उधर सोफ़े लगाए हुए हैं हमने, तो बहुत ही अच्छी सेटिंग लग रही थी। अभी हमारा अलमारी वाला रूम खाली नहीं हुआ, तो ये अलमारी उसमें जाएगी तो और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम क्लीन साफ़ सुथरा। और मैंने यहाँ पर रात का भी खाना बना लिया, मैंने बनाया चिकन खाने में। हेलो कुकू, कैसा लग रहा है तुझे? देखो मिस्सी मारियो, ये अपने मगन में मगन है, इसको कुछ नहीं पता। देखो मिस्सी मारियो की फोकोरी, वो वाइट वाला लग रहा जल्दी। और हमारा कुछ ऐसा हुआ है, सेटिंग बहुत खुली लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हम मार्केट गए थे कुछ सामान लेने, ये हमारे यहाँ का पार्क है थोड़ी दूरी पे जाके, तो कुकू को तो यहाँ पे झूलना ही होता है ज़िद करके ज़बरदस्ती। तो बार मतलब पानी भरा हुआ था इस पार्क में, पता नहीं क्यों बारिश भी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे जो झुला रहे हैं, यहाँ पे सूखा था तो यहाँ पे इसके पापा इसको झुला रहे थे। तो यहाँ पे ये हांडी यात्रा निकल रही थी, मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैंने इसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी, क्योंकि BJP ऑफिस हमारे घर के पास में ही है ना बिल्कुल, तो यहाँ पे होता रहता है ये सब। और मैं जा रही थी अपने घर, वहाँ से जाती मैं भाभी के साथ पार्लर, लेकिन यहाँ पर एक सीन हो गया, भाभी के मेहंदी लगवाई थी तो भाभी के हाथ में इन्फेक्शन मतलब एलर्जी पूरे हाथों पे हो गई, मेहंदी के साथ उपड़ने लगी थी स्किन भाभी की, तो जल्दी से मेहंदी वगैरह छुटाई थी। तो भाभी को एलर्जी इस वजह से हुई थी क्योंकि भाभी गर्म दवाइयाँ खा रही हैं, तो उनको सूट नहीं हुई मेहंदी, वरना मैंने भी मेहंदी वगैरह लगवाई थी। तो यह है पार्लर, भाभी की सिस्टर का ही पार्लर है, दीदी का, तो यहीं से हम कराते हैं, मतलब पहले भी करवा चौथ पे मैंने यहाँ से मेहंदी लगवाई थी, और उन्होंने समोसे मंगवाए थे, उसके समोसे बहुत टेस्टी थे, मैंने पहली बार ऐसे समोसे खाए थे, वरना आलू के ही खाए मैंने। और मेहंदी लगाई थी भाभी की जो सिस्टर है उनकी बेटी ने, मेरी भतीजी लगती है वो, सामने बैठे बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी उसने मेरे, और दीदी ने भी काफ़ी अच्छा मतलब आईब्रोज वगैरह फेशियल वगैरह कराया था, तो उनका काम बहुत अच्छा है, काफ़ी रश रहता है उनके पार्लर में, तो हम भी वहीं पर जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, तो आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटिफुल लेडीज़। तो आज तो भाई सजने संवरने का दिन है, तो कल जैसे कि आपने देखा था मेरे ब्लॉग में, मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी, और आज कुकू भी ज़िद कर रही है मेहंदी लगवाने के लिए। कुकू दिखाओ अपनी मेहंदी, तो आज कुकू ने भी मेहंदी लगाई है मेरे को देख के,
मैंने इसको थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी, तो मेरी मेहंदी भी बहुत ही अच्छी रची है। बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये है हमारे करवा चौथ की तैयारी, जो पूजा की तैयारी थी, ये दिन की वीडियो है। और दीदी आई हुई थी मेरी नंद, तो हम दोनों ने साथ में मिलके पूजा करी थी, तो अच्छा है वो आ गई थी, वरना मुझे अकेले ही करना पड़ता। तो दीदी आ गई थी तो अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। तो हम दोनों ने ही साथ में मिलके पूजा करी थी। दिख रहा है तुम्हें? इस पे मत चढ़ा देना, हट जा। और यहाँ हो रही थी शाम की पूजा की तैयारी, जिसमें मैं बना रही थी हलवा पूरी, और खाना बनाया था, सेवई वगैरह बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, पूरी बनाई थी। हमारी हो गई पूरी तैयारी, खोल रही थी, बस सब्जी रह गई, बाकी सब चीज़ बन गई हमारी। अब शाम के अंदर जा रहे हैं। उसमें क्या? इसमें ही है तो क्या बोलते हैं, इसमें पूरी है, हलवा बन गया प्रसाद के लिए, पूरी हलवा, चावल, आलू गोभी, ये सब बनेगा। और बाकी इतना सर में दर्द हो रहा है सारी बार, वरना मेरा कुछ नहीं होता, चाहे पीऊँ चाहे या ना पीऊँ, सब मेरे लिए होता। मेरे भी सब दर्द रही हूँ आज, है तुम्हारे भी। और हाँ, इन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा है। ये मेरे लिए हर साल फास्ट रखते हैं, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं, इसलिए मेरी मेहंदी इतनी काली रच गई। तो यहाँ पर हम बाहर आए थे व्रत खोलने, और मैंने पहनी थी साड़ी, थोड़ी देर के लिए मैंने चेंज कर लिया था फास्ट खोलने के लिए। तो ये मैंने तो खोल लिया था फास्ट, और अब दीदी पूजा कर रही थी, तो ये दीदी के लिए रो रहा था अंशु बहुत ज़्यादा। वैसे तो रुक जाता है हमारे पास, लेकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था बहुत। तो पूजा भी दीदी को ठीक से करने नहीं दे रहा था वो, तो यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। तो फ्रेंड्स, ये थी अहोई की वीडियो। करवा चौथ के बाद 3-4 दिन बाद अहोई आती है, तो मैं अहोई की पूजा कर रही थी, तो दीदी तो अपने घर उसी दिन चली गई थी, तो आज मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, वरना वो होते तो हम साथ में कर लेते हैं। तो और तो बाकी हम घर में कोई नहीं करता आपस में मिलजुल के, तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। और आज मैंने रखा था अपनी कुकू के लिए फास्ट।
तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम की पूजा अहोई माता की। अहोई माता उन सब बहनों को संतान दे जिनको अभी तक संतान नहीं है। मैं दुख समझ सकती हूँ उनका, क्योंकि मुझे भी 5 साल संतान नहीं थी और मैंने फिर भी फास्ट रखा था अहोई माता का 5 साल तक। तो मैं यही दुआ करूँगी कि सबकी गोद हरी करे माता रानी, जैसे मेरी करी है। तो अब मैं खोलूँगी अपना फास्ट, जैसे करवा चौथ का फास्ट खोलते हैं हस्बैंड को देखकर, ऐसे ही ये अहोई का फास्ट खोलते हैं अपनी संतान को देखकर, उनके हाथ से पानी पीकर ये फास्ट खोलते हैं। तो मैं कुकू की पूजा कर रही थी तो कुकू बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो रही थी सब देखकर। तो ये था मेरा होई का करवा चौथ का व्लॉग एक साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।